गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन योर सब्जेक्ट साइंस. ओके, लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर अबाउट हाउसेस. ओके, हाउसिंग एंड क्लॉथिंग. चलो आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस. देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के हाउस है. ओके, देखो टेंट, बोट हाउस, ओके, कारवेंस, इग्लूज, कच्चा हाउस, हट, ओके, पक्का हाउस. तो मेनली जो टाइप्स ऑफ हाउस है, टू टाइप्स हाउस होते हैं, परमानेंट हाउस, टेम्पररी हाउस. तो परमानेंट हाउस मतलब पक्का हाउस जो वहीं पे रहता है कई सालों तक, और कच्चा हाउस वो टेम्पररी होता है, या तो कुछ समय के लिए होता है या कुछ मंथ के लिए. ओके, तो लेट्स लर्न. पीपल मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट आर कॉल्ड पक्का हाउस. जो सीमेंट और ब्रिक्स से बने हुए हैं, ईंट, सीमेंट, इससे बने जो मकान होते हैं उसे पक्का हाउस बोलते हैं. तो हमारे हाउसेस कैसे हैं? पक्का की कच्चा, पक्का हाउस, राइट. हाउसेस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रो आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस. ओके, जो मड और स्ट्रो से बने हैं उसे कच्चा हाउसेस बोलते हैं. तो कच्चा हाउसेस में अलग अलग होते हैं. हाउसेस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस आर कॉल्ड इग्लूज. देखो कच्चा हाउस में अलग अलग यहाँ पे हैं, जैसे कि ये जो फर्स्ट है बराबर, वो इग्लू है. देखो यहाँ पे ये इग्लू, ये हट, ये कारवेंस, ओके, टेंट और पोर्ट हाउस. चलो तो इग्लूस किसे बने होते हैं? ब्लॉक्स ऑफ आइस. ओके, सो हाउसेस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस आर कॉल्ड इग्लूस. जो कोल्ड रीजन होता है वहाँ पे जो आइस से ऐसे बनाते हैं ताकि उनको, देखो आपको लगेगा कि बर्फ़ के घर पे रहते तो उनको ठंडी नहीं लगती है. नो, बर्फ का जो घर है ना इग्लूस, वो उनको ठंडी हवाओं से बचाते हैं. देखो कवर कर लेना तो उनको वो ठंडी हवा नहीं लगती. जब ठंडी खुले में आप रहोगे और कोई कवर्ड एरिया में रहोगे तो दोनों में फ़र्क है ना. तो इग्लूज में उनको ठंडी हवा जो होती है कोल्ड विंड, उससे प्रोटेक्ट करता है. ओके, चलो. सम पीपल कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. दे बिल्ड हाउसेस दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बराबर, कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं कि कई जगह पे मकान बनाते हैं छोटा सा, थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे रहते हैं 2-3 महीने, फिर वहाँ से कहीं और जगह चले जाते हैं. बराबर, जैसे कि देखो यहाँ पे हट बनाया है, बराबर, मिट्टी का झोपड़ा. तो ये भी ऐसा ही है कि जो सिंपल होते हैं कुछ मकान, जो जहाँ पे टेंट वगैरह होते हैं वो भी कुछ टाइम के लिए लगाते हैं, तो उसे कहते हैं टेम्पररी हाउस. ओके, सच हाउसेज आर कॉल्ड टेम्पररी. टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए, नॉट परमानेंट, हमेशा के लिए वहाँ पे वो घर नहीं होता है. अंडरस्टैंड? तो ये सब टेम्पररी हाउसेज है. ओके, और हमारा जो है वो परमानेंट हाउस है. तो टेम्पररी हाउस में एक हमने देखा इग्लू, चलो एक और देते हैं. मोस्ट हाउसेज अराउंड us cannot be moved from one place to another place. These are called permanent house. देखो हमारे घर के आसपास जितने घर हैं वो ज़्यादातर एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे नहीं जाते. मतलब ये ऐसा नहीं कि वहाँ से वो लोग चले गए और वो जो घर था वो गिरा दिया, ऐसा नहीं होता है, राइट. या तो वहाँ से उठा के दूसरी जगह पे, तो उसे कहते हैं permanent houses. ओके, तो ये हट किसे बना होता है? मड एंड स्ट्रो से. तो वो है हट, बराबर, कच्चा हाउस.
फिर कारवेंस, कारवेंस द हाउस ऑन व्हील्स, देखो एक जो गाड़ी होती है आपने कभी कभी देखा होगा मूवीज़ में या टीवी में कोई एड में, राइट? तो जो गाड़ी होती है उसके अंदर सब फैसिलिटीज़ होती है, बेडरूम, किचन, ऐसे सोने की एक थोड़ा एरिया होता है, थोड़ा किचन का एरिया होता है, बराबर। तो वो ऐसे कहीं चले जाते हैं, फिर वहाँ पे थोड़े दिन तक रुकते हैं, तो उनको कोई रूम या ऐसे रखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसे कहते हैं कारवेन। ओके, कभी कभी कोई जो शूटिंग वगैरह चलती होती है ना, तो वहाँ पे भी ऐसे होता है, उन लोगों को रेस्ट करने के लिए, चेंजिंग के लिए ऐसे कारवेन होती है, वहाँ पे वो लोग जाते हैं और थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी करते हैं, बराबर। तो ये गाड़ी की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर आप लेके जा सकते हो, बराबर। फिर आगे का इंजन निकाल दो, तो उसे कहते हैं हाउस ऑन व्हील्स। ओके, फिर टेंट, टेंट इज मेड अप ऑफ सम सिंथेटिक क्लॉथ, ओके, थिक क्लॉथ और प्लास्टिक शीट, उससे टेंट बने होते हैं। टेंट ज़्यादातर कौन लगाते हैं? जो हमारे सोल्जर्स, ओके, माउंटेनियर्स जो पहाड़ी पे चढ़ते हैं, तो वो लोग वहाँ पे कहीं पे रात पे रुकना हो ऐसा होता है, तो वो वहाँ पे टेंट लगाते हैं। ओके, तो हमारे सोल्जर्स, माउंटेनियर्स, वो टेंट का यूज़ करते हैं। कई कई जगह पे आप ऐसे कैंप में गए हो तो वहाँ पे भी आपको टेंट में रहने का फैसिलिटी होती है, राइट? तो ये भी एक टेम्पररी हाउस हुआ, बराबर। दो तीन दिन के बाद वहाँ से बस वो उठा लो, देखो यहाँ पे दोरी से उसको सपोर्ट दिया है, फिर वो निकाल लेते हैं, फिर वो जो क्लॉथ होता है वो तो फोल्ड कर लेते हैं और कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। ओके, तो दैट इज ऑल्सो ए टेम्पररी हाउस। ओके, टेंट। फिर है बोट हाउस। यस, इन कश्मीर, केरला, अपने वहाँ पे देखा होगा, ओके, कि वहाँ पे बोट हाउसेस होते हैं। एक जो बोट होती है उसके अंदर एक हाउस जैसा पूरा फैसिलिटी होता है, टीवी, ओके, किचन, डाइनिंग एरिया, बेडरूम, ये सब होता है अंदर, इसलिए उसे बोट हाउस बोलते हैं। तो आप जैसे आपका घर ऐसे पानी में तैर रहा हो ऐसी फीलिंग आती है, इसलिए उसे हाउस ऑन बोट बोलते हैं, बराबर। वो ऐसे तैरता है, फ्लोटिंग ऑन अ वाटर सरफेस। ओके, तो दैट इज अ बोट हाउस। तो ये सब क्या है? टेम्पररी हाउस। और ये जो ब्रिक्स और सीमेंट से बना है, बराबर, ये वाला, तो दैट इज़ द पक्का हाउस। ओके, बंगलोज होते हैं तो वो कैसे होते हैं? पक्का हाउस। हमारे जो अपार्टमेंट है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बराबर, तो दे आर पक्का हाउसेस। चलो, समझ में आया हाउसेस के बारे में? चलो, लेट्स रिमेंबर, सर्कल द ऑड वन आउट। चलो, इसमें से जो अलग होता है उसे हमें दूर करना है। ब्रिक्स, सीमेंट, वूल, बराबर। तो यहाँ पे वूल नहीं आएगा क्योंकि वो दोनों मटेरियल्स है, वो हाउस बिल्ड करने में यूज़ होता है, वहाँ पे वूल यूज़ नहीं होता है, राइट? माउंटेन्स, स्लॉपिंग रूफ, प्लेन्स, बराबर। तो अलग क्या हो रहा है? माउंटेन्स, प्लेन्स, ये दोनों एरिया है, तो ये टाइप्स ऑफ रूफ है, तो ये स्लॉपिंग रूफ अलग पड़ेगा, बराबर। हाउस बोट, सीमेंट, कच्चा हाउस, तो क्या अलग हो रहा है? कच्चा हाउस और हाउस बोट, ये टाइप्स ऑफ हाउस है, तो ये सीमेंट तो मटेरियल है, इसलिए सीमेंट। टेंट, कैरवान, बंगलो, तो टेंट और कैरवान क्या है? टेम्पररी हाउस, और बंगलो है वो परमानेंट है, तो वो एक अलग हो रहा है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट जस्ट टाइप्स ऑफ हाउस, और उसकी एक एक्सरसाइज भी हमने कर ली। नाउ ओपन
नेक्स्ट पेज क्लोथ्स वी वियर. चलो जैसे कि हमें हाउस तो प्रोटेक्ट करता ही है, बट इन सम पर्टिकुलर सीजन वी ऑल्सो प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम विंड रेन हीट. ओके, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्लोथ्स चाहिए. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम हीट कॉल्ड विंड एंड रेन. देखो एंशियंट टाइम में क्या होता था, दे वियर दे कवर देयर बॉडी विथ लीव्स और बार्क ऑफ ट्रीज. बराबर, पहले के ज़माने में ये लोग जो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, पहले तो कपड़े नहीं थे, तो वो लोग जो ट्रीज के लीव्स होते ना, लीव्स के ऐसे स्टिच करके वो बॉडी को कवर करते थे, या तो एनिमल स्किन. ओके, तो बार्क ऑफ ट्रीज मतलब कि उनकी पेड़ की छाल ऐसे होती है, उससे या तो एनिमल्स को एनिमल स्किन से अपने बॉडी को कवर करते थे इन एंशियंट टाइम, पहले के ज़माने में. बोलो, बहुत पहले. सो क्लोथ्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम हीट कॉल्ड विंड एंड रेन. ओके, मैंने बोला ना कि हमारी बॉडी को विंड रेन से प्रोटेक्ट करता है. वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स. यस, हम अलग अलग सीजन्स में अलग अलग कपड़े पहनते हैं. जो समर में पहनते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली कॉटन क्लॉथ्स. वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर. ओके, एंड रेनकोट वी यूज इन अ मॉनसून सीजन. अगर आप विंटर सीजन में कॉटन के कपड़े पहन के निकलोगे तो क्या होगा, बहुत ठंडी लगेगी ना, क्योंकि वो थीन होते हैं. और जो वूलन होते हैं वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, और वो थोड़े थिक मटेरियल होते हैं. बराबर, तो हमें ठंडी भी नहीं लगती. सो वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स, एंड वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट ओकेशन, डिफरेंट प्रोफेशन. देखो जैसे कि आप शादी वगैरह में जा रहे हैं तो अलग कपड़े पहनोगे, रेगुलर जो पहनते हो वो नहीं पहनोगे, राइट? तो अलग अलग ओकेशन में अलग अलग कपड़े पहनते हैं. कोई पूजा वगैरह है तो आप अलग कपड़े पहनते हैं. बर्थडे पार्टी है तो, बराबर, जैसे कि आप स्कूल जा रहे हो तो यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हो. और आप जैसे कि अलग अलग एरिया में रह रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग भी हमारे कपड़े अलग होते हैं. कोई प्रोफेशन है जैसे कि डॉक्टर, पुलिस, तो आपको पता चल जाता है उनके कपड़ों से, राइट? सो वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स ऑल्सो एंड डिफरेंट ओकेशंस ऑल्सो. चलो, कॉटन क्लोथ्स, वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर एंड वुलन क्लोथ्स इन विंटर. ओके, चलो मैंने बोला कि डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स हम अलग अलग ओकेशंस और प्रोफेशंस के हिसाब से पहनते हैं. ओके, नाउ रीड द कीवर्ड्स. पक्का हाउस, ए हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट इज कॉल्ड पक्का हाउस. कच्चा हाउस, ए हाउस मेड ऑफ मड एंड स्ट्रो इज कॉल्ड कच्चा हाउस. इग्लूज, हाउस मेड ऑफ फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस आर कॉल्ड इग्लूज. एंड कैरवैन, ए हाउस ऑन व्हील्स इज कॉल्ड कैरवैन. टेंट, अ टेंट इज हाउस ऑफ मेड ऑफ थिक क्लोथ और प्लास्टिक सीट. ओके, प्लास्टिक जो होती है सीट, उससे भी बनते हैं, आपने देखे होंगे. ओके, टीवीज पे या तो अपने भी शायद यूज़ किए हो. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउसेस. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो इधर हमारा चैप्टर ओवर हो गया. थैंक यू.